नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं देश दुनिया से जुड़ी 20 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका में ठंड का प्रकोप जारी, अब तक 12 की मौत, हजारों उड़ाने रद्द। पाकिस्तानी सेना को लग रहा है बगावत का डर, सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी। भारतीयों की मुश्किलें बढ़ी, H-1B वीजा के लिए अमेरिकी संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त विदेशियों को प्राथमिकता। NSG के प्रवेश के लिए भारत NPC पर दस्तखत करें, ये कहा चीन। सुल्तान अहमद शाह बने मलेशिया के नए राजा, PM की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अमेरिका खुफिया एजेंसी का खुलासा हुआ है और सांप्रदायिक दंगे करा सकते हैं आतंकी। ब्रिटेन में ब्रेग्जिट करार पर उलझन बरकरार है, सांसदों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ब्रिटेन में भारतीय मूल का बच्चा बना नए कैंसर थेरेपी लेने वाला पहला रोगी। US में बोले ट्रंप, अगले सप्ताह जोंग से मिलने की तारीख और आयोजन स्थल का होगा ऐलान। मादुरो ने US को चेताया और कहा वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला वियतनाम से भी बुरा होगा। एप्पल ने फेसबुक के रिसर्च ऐप को बंद किया और सोमालिया में अमेरिका हवाई हमलों में 24 आतंकवादी ढेर हो गए। जापान एयरलाइंस का विमान हवाई पट्टी पर फिसला, सभी यात्री सुरक्षित। फ्रांस में 2018 में बलात्कार की शिकायतें तेजी से बढ़ी, गृह मंत्रालय से खबर आई है। संयुक्त अरब की यात्रा के साथ इतिहास में नया अध्याय लिखने से खुश हैं, पोप फ्रांसिस ने कहा। रूस का दावा, अमेरिका के साथ तय समय सीमा से पहले परमाणु संधि पर कोई भी प्रगति नहीं। डोनाल्ड ट्रंप है भगवान के पुजारी, इसीलिए ईश्वर भी चाहता था वह राष्ट्रपति बने। NSG रूस में अमेरिकी और ब्रिटेन समेत सभी ने भारत का किया समर्थन, फिर चीन ने लगाया रोड़ा। 17 साल 103 दिन की उम्र में नेपाल के क्रिकेटर ने बना दिया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तानी राजदूत को चेताया तो पाकिस्तान ने भी भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। तो ये थी देश दुनिया से आई बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।